अगर भाई आप टेक वीडियोस देखते होंगे ना, तो आप नथिंग फोन 3 का वीडियो तो कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा, क्योंकि नथिंग फोन 3 का लीक्स निकलना शुरू हो गया था। तो उसी टाइम कार्ल भाई ने कंफर्म किया कि नथिंग फोन 3 इस साल नहीं लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि कार्ल ने एक ही फोन को मार्केट में लॉन्च करने का वादा किया था साल में। तो अब की बार अगर नथिंग फोन 3 को भी 2024 में लॉन्च कर देते तो भाई दो फोन हो जाता 2024 में। हाल ही में एक फोन लॉन्च किया था जो नथिंग फोन 2A था, जो काफी अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के दिया था, काफी अच्छा फोन था, मार्केट में अच्छा बिका भी था। पर अब की बार आ रहा है नथिंग फोन 3 के जगह पर एक बजट फोन, जो भाई नथिंग का ही एक ब्रांड है सीएमएफ। सीएमएफ पहले चार्जर, ईयरफोन और टीडब्ल्यूएस को मार्केट में लॉन्च करता था, पर भाई काल भाई ने सोचा कि हमारे पास एक सीएमएफ ब्रांड है जो दूसरे नाम से, तो क्यों ना मैं एक बजट फोन सीएमएफ के नाम से लॉन्च करूं। तो अब की बार 8 तारीख को इंडियन मार्केट में लॉन्च होने जा रहा है सीएमएफ फोन 1। आप जाकर देख सकते हो फ्लिपकार्ट पर टीजर भी चल रहा है, यानी कि 8 तारीख को कन्फर्म है ये लॉन्च हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम सीएमएफ फोन 1 के सारे फीचर्स बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि ये भाई कितने प्राइस का होने वाला है, ये फोन हमें लेना चाहिए, इसका लुक कैसा रहेगा, स्मार्टफोन कैसा होने वाला है, कोई दूसरा ब्रांड हमें ले लेना चाहिए या फिर सीएमएफ फोन 1 को परचेस करना चाहिए। वीडियो के अंत तक बने रहे, सब कुछ बताऊंगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं ज्यादा समय ना खराब करते हुए। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वाले फोन के बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के बारे में। तो यहाँ पर डिजाइन में आपको दो प्लस पॉइंट देखने को मिलेगा। जो पहला प्लस पॉइंट है वो है इसका रोटेटिंग भाई, यहाँ पर नीचे की साइड में आपको क्राउन देखने को मिलेगा जो घूमता हुआ नजर आएगा, और उसके लेफ्ट में ना आपको एक स्क्रू देखने को मिलेगा जिससे आप उसे खोलकर बैक पैनल को चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, यानी कि आप मार्केट में दूसरा पैनल खरीद कर उसे सेट कर सकते हो। यहाँ पर दूसरा प्लस पॉइंट था। और जो डिजाइन था ना, इस डिजाइन में अभी तो कोई भी फोन नहीं आया है मार्केट में, यानी कि ये एक नया डिजाइन आप कह सकते हो मार्केट में आ रहा है। बैक पैनल फरड में मिलेगा, डिस्प्ले पंच होल फरड दिया गया, कैमरा आपको दो मिलेगा जो नथिंग फोन 1 या फिर नथिंग फोन 2 के जैसा ही लग रहा है, पर कौन सा कैमरा आया है आपको लास्ट में बताऊंगा। तो यहाँ पर अभी 4 लीक्स के कलर देखने को मिले हैं जो स्मार्टफोन का, इसमें से कौन सा कलर आएगा या फिर चारों कलर आएगा अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है, चारों में से एक कलर आएगा। पर इन चारों कलर में से मुझे रेड कलर वाला फोन ज्यादा पसंद आ रहा है, आपको चारों में से कौन सा कलर पसंद आया कमेंट में एक बार बताना। आइए अब बात कर लेते हैं इस वाले फोन के डिस्प्ले के बारे में। तो डिस्प्ले जो दिया गया ना 6.67 इंच का आपको मिलेगा FHD प्लस LCD डिस्प्ले, इसमें AMOLED डिस्प्ले और ना ही POLED डिस्प्ले दिया गया है, इसमें आपको LCD और साथ में FHD डिस्प्ले लगाया गया है जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट पर काम करेगा। और आपको 12 से 1600 तक का आपको निट्स पिक ब्राइटनेस देखने को मिलेगा, हो सकता है कि 1600 ही पिक ब्राइटनेस हो क्योंकि आजकल बहुत सारे स्मार्टफोन में आ रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए डिस्प्ले ना, तो पंच होल के साथ में दिया गया डिस्प्ले अच्छा है और साथ में बेजल्स और चिन्स भी नाक के बराबर दिए गए हैं। तो डिस्प्ले में थोड़ा सा कमियां दिया गया, AMOLED डिस्प्ले लगाना चाहिए था, पर भाई प्राइस जैसा रहेगा आपको वैसा ही स्मार्टफोन मिलेगा। आगे देख लेते हैं परफॉर्मेंस के लिए फोन कैसा होने वाला है, गेमर्स इसे परचेस कर सकते हैं या फिर नहीं। वैसे जो नथिंग का फोन है वो गेमर्स के लिए भी ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि पीछे कुछ लाइटिंग वाइटिंग होता है, तो इसकी वजह से स्मार्टफोन और भी अच्छा लगता है। पर भाई वो नथिंग में भाई आपको मिनी लाइट मिलता है, इस वाले फोन में आपको कोई भी लाइटिंग देखने को नहीं मिलेगा बैक पैनल में। तो यहाँ पर अगर परफॉर्मेंस की बात किया जाए ना, तो नथिंग अपने साथ ला रहा है MediaTek Dimensity 7300, यानी कि भाई ये वाला प्रोसेसर ना अभी तक किसी भी फोन में नहीं आया, यानी कि ये नया प्रोसेसर नया फोन भी है भाई। आप देख लेना इसका जो अंतुतु स्कोर रहेगा ना, वो 10 लाख के प्लस में ही होने वाला है, क्योंकि जो 7200 था ना वो 7 लाख के आसपास में अंतुतु स्कोर देता था, तो यहाँ पर 7300 है तो 10 लाख के आसपास में अंतुतु स्कोर निकाल के देगा, यानी कि गेमर्स के लिए भी भाई काफी अच्छा चॉइस रहेगा। स्टोरेज की बात किया जाए तो LPDDR4X का सपोर्ट मिलेगा, डुअल बैरल के साथ में UFS 2.2 का सपोर्ट मिलेगा, और 6GB 128GB 8GB और 128GB वाला बैरल देखने को मिलेगा। आगे अगर बात की अगर बैटरी बैकअप चार्जर के बारे में, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 5000mAh बैटरी और 68 वाट का चार्जर कहीं पे दिख रहा है, और किसी वेबसाइट पर 33 वाट का चार्जर दिख रहा है, और किसी पर आपको 45 वाट का देखने को मिल रहा है। पर इसमें से तीनों में से ना भाई भी कंफर्म नहीं है कि कौन सा चार्जर आएगा, क्योंकि फ्लिपकार्ट पर उतना लीक सभी निकल के नहीं आया, सिर्फ टीजर थोड़ा सा चल रहा है कि 8 तारीख को लॉन्च किया जाएगा, उसके बाद में सारे फीचर जो है ना हाईलाइट कर दिए जाएंगे। आगे देख लेते हैं इसका कैमरा कैसा होने वाला है। तो हमने आपको बताया कि डुअल कैमरा सेटअप बैक पैनल में दिया गया है, जो इसका मेन कैमरा वो 50 MP OIS दिया गया, यानी कि वीडियो रिकॉर्ड करने में भी आपको सहायता मिलेगा, आप कितना भी मूव करो हिलता हुआ नजर नहीं आएगा।
और आपको सेल्फी कैमरा मिलेगा 16 मेगापिक्सल का सारे कैमरा से, 1080 30 fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। पर कैमरा की क्लैरिटी थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा मेरे हिसाब से। आगे अगर देखा जाए इस वाले फोन के UI के बारे में ना, तो एंड्रॉइड 14 देखने को मिलेगा और नथिंग 2.6 का आपको वर्जन देखने को मिलेगा। तो यूनिक फीचर्स की अगर बात किया जाए CM1 के ना, तो इस वाले फोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा, राइट साइड में ऑन ऑफ का बटन मिलेगा, ऊपर के साइड में बिल्कुल सादा है, कुछ भी नहीं दिया गया, लेफ्ट साइड में आपको वॉल्यूम बटन मिलेगा और नीचे साइड की अगर बात किया जाए ना, तो ग्रिल का स्पीकर मिलेगा, साथ में टाइप सी पिन मिलेगा, सिम टूल देखने को मिलेगा, माइक्रोफोन देखने को मिलेगा और साथ में जितने भी सेंसर होते हैं ना वो सारे इसमें सपोर्ट करेंगे। पर भाई एक कमी है, NFC का सपोर्ट नहीं दिया गया, ये बहुत बड़ी कमी है। हो सकता है कि लॉन्च हो तो दे, पर कहीं पर भी इसका नामो निशान नहीं कि NFC इसमें सपोर्ट करेगा, तो यहाँ पर बहुत बड़ी कमी है। और साथ में ना भाई अगर देखा जाए तो मुझे इस वाले फोन का डिजाइन ना उसे तो अच्छा लग रहा है, पर बीच में एक दो डिजाइन कुछ लिखता हुआ नजर आ रहा है, थोड़ा सा और इम्प्रूव करना चाहिए था इनको, और तो लेदर फिनिशिंग नहीं देना चाहिए था, पता नहीं क्या सोचकर इस टाइप का डिजाइन निकाले, पर मुझे उतना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है डिजाइन। आप बताना कि आपको डिजाइन कैसा लगा। अगर बात किया जाए इस वाले फोन के प्राइस के बारे में ना, तो बहुत सारी वेबसाइट भी दिखा रही कि ये 15,000 के आसपास में देखने को मिलेगा, पर ये ना 17,000 से 18,000 के बीच में रहेगा, क्योंकि जिस प्राइस में आया है उस प्राइस में जितने भी फोन आए हुए हैं दूसरे ब्रांड के, वो सारे के सारे फोन ना वो आपको मिलेंगे भाई 17,000 से 18,000। तो यानी कि ये 20,000 के नीचे इसका बजट होने वाला है। अगर आप एक बेस्ट फोन परचेस करना चाहते हैं वो भी नथिंग का, तो यहाँ पर आप CM1 को ले सकते हो, क्योंकि गेमिंग के लिए भी अच्छा है, कैमरा क्लैरिटी भी अच्छा दिया गया, 50 मेगापिक्सल OIS है, और यहाँ पर डिस्प्ले में थोड़ी सी कमी कर दी गई है, पर डिजाइन काफी यूनिक है। आप बताना कमेंट में कि आपको ये फोन कैसा लगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए गुड बाय।